मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि नारायण सरोवर संस्थान में आकर मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। जब मैं छोटा था तब से बीमार हुआ था, तो पोलियो हो गया था, लकड़ी के चारे चलता था। मुझे भी अच्छा लग रहा था क्योंकि मेरी ज़िंदगी बेकार हो गई। पापा मेरे को लेके आए थे और यहाँ फिर भर्ती हुए और ऑपरेशन हुआ और मैं खुद अपने आप चलने लगा अपने पैरों पे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं अपने पाँव पे चल सकता हूँ। बहुत खुश हूँ कि मेरी ज़िंदगी में कुछ खुशी आई। मैं पैदा हुई सब ठीक थी, 5 साल बाद अचानक क्या हो गया, मेरी आँख एक खराब हो गई। उस टाइम थोड़ा थोड़ा दिखता था, अभी दिखना ही बंद हो गया। मेरे को अच्छा नहीं लगता है, लोग सब हंसी निकालते हैं। मैंने तो हार मांग ली थी, मेरे मम्मी पापा भी बहुत दुखी थे, उसके साथ कौन शादी करेगा। फिर एक दिन रिश्तेदारी में पता चला कि एक लड़की है, उसकी आँखों में प्रॉब्लम थी। मैं भी देखने गया था तो बात हो गई थी, तो रिश्ता पक्का हो गया था। जिससे मेरा रिश्ता तय हुआ, इसके एक फॉग में कमजोरी है, मेरी आंखों की कमजोरी। हमारी सगाई होने के बाद हम मिलने जाते थे कहीं, तो फिर मिलके बैठते और बातें करते, अपने दोनों के बीच में एक दूसरे को समझते। मैंने मन ही मन तय कर लिया कि अब इसी से शादी करनी है। अब हमारी शादी नानसा संस्थान में होने जा रही है। भले उसके एक आंख में कमी है, लेकिन मैं उसका सहारा बनूंगा। हम दोनों मिलकर एक दूसरे की कमियां पूरी करेंगे।